ढोलू उदास क्यों? आइए दोस्तों सुनते हैं ढोलू की कहानी। ढोलू एक प्यारा सा पोलर बियर है। ढोलू उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में रहता है। वहां चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। बिन्नी, फिर तो ढोलू को बर्फ पर फिसल कर खेलने में बड़ा मजा आता होगा, है ना? हाँ बिट्टू, देखें कहानी में आगे क्या होता है, ढोलू से ही सुन लेते हैं। अरे यहाँ तो इतनी सारी बर्फ थी, अब कहाँ चले गए? अब हम सील का शिकार कैसे करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए उदास है ढोलू। पर बिन्नी, ऐसा हुआ क्यों? बिट्टू, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है। पर तापमान क्यों बढ़ रहा है? चलो पता लगाएं। आओ इंटरनेट पे इसका जवाब ढूंढते हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के कारण, और ये सर्च। हेलो दोस्तों, इस साइट पर आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ऊर्जा के अत्यधिक इस्तेमाल से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। देखो तो इतना धुआं, हे भगवान। चलो देखते हैं हम ऊर्जा का प्रयोग और कहां कहां करते हैं। बिट्टू, ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। पर हमारी समस्या तो ये है कि हमारे ढोलू को खाना क्यों नहीं मिल रहा? एकदम क्लियर है। ऊर्जा के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली, सील खाने को मिली नहीं, और ढोलू हो गया उदास। अच्छा, तो मुसीबत की जड़ ऊर्जा का अंधाधुंध इस्तेमाल है। इसका मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल बंद कर दें क्या? इससे तो घूमना फिरना, मौज मस्ती सब बंद हो जाएगी। तो फिर आखिर करें क्या? चलो ढूंढते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। हाँ, चलो, चलो चलो चलो। तो अब सर्च में क्या टाइप करें बिन्नी? ऊर्जा की खपत के सही तरीके। तो ठीक है, 1 2 3 शुरू करें सर्च अभियान। इस वेबसाइट पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानें और समझें कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। सूर्य, पवन, जल, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। ऊर्जा के ये स्रोत असीमित हैं, इनका अधिक उपयोग करें। नवीकरणीय रिन्यूएबल स्रोत यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युतीय ऊर्जा हाइड्रो पावर।
ऊर्जा के इन स्रोतों का भंडार सीमित है, इनका अंधाधुंध प्रयोग बंद करें। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल स्रोत यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम के आयात के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। अच्छा। इस तरह देश का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है। अनवीकरणीय ऊर्जा के अंधाधुंध इस्तेमाल से प्रदूषण बढ़ता है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है और पैसे की बर्बादी वो अलग। कितनी काम की सूचना है ना। हाँ बिन्नी, अरे ये देखो, अब ये वाला चलाता हूँ। प्रदूषण के विभिन्न स्रोत और उनके बुरे प्रभाव। अनवीकरणीय ऊर्जा का सोच समझ कर प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक प्रयोग, विकास भी, खुशहाली भी। तो ये बात ईंधन की खपत के बारे में है। हाँ। यानी खपत कम होगी तो बात बनेगी। हाँ। और बात बनेगी तो खुशहाली होगी, और खुशहाली होगी तो ढोलू भी खुश और हम भी खुश। पर बिन्नी, ईंधन के अत्यधिक उपयोग से हो रहे प्रदूषण का असर हम सबकी सेहत पर हो रहा है। बिल्कुल। आगे आने वाले समय में और भी भयानक होगा। यदि इस समस्या का सुधार करना है तो ईंधन का सही प्रयोग करना अनिवार्य है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी, जनगण की भागीदारी। तो सुना बिन्नी, ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी, जनगण की भागीदारी।